हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आपके डिमांड पे मैंने ये 10th फिजिक्स का लेक्चर थर्ड लाया हूँ, ठीक है ना। आज हम लोग पढ़ेंगे स्फेरिकल मिरर के बारे में, गोलीय दर्पण के बारे में और उससे रिलेटेड जो भी इवेंट्स है उसके बारे में पढ़ेंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे इमेज कैसे फॉर्म करते हैं, ठीक है ना। तो जो लोग हिंदी मीडियम में भी बच्चे हैं वो कॉपी पेन ले लें और नोट करते रहेंगे, मैं हिंदी में बोलता रहूंगा, ठीक है। और आप लोग बताइए कि हमारा वॉयस कैसा, हमारा आवाज कैसे है, क्या इको पहले से ज्यादा है कि कम है। अभी इको के लिए कुछ सिस्टम यहाँ पे अपनाई जा रही है, अभी पूरा सिस्टम यहाँ पे अप्लाई नहीं हुआ है, लेकिन आप लोग हमें थोड़ा सा बताइए इको पहले से कैसा है, ठीक है। आइए चलते हैं, मतलब अपने टाइम को बिना वेस्ट किए और देखते हैं। देखो पहले स्फेरिकल मिरर क्या होता है, गोलीय दर्पण क्या होता है। अ स्फेरिकल मिरर इज अ मेड ऑफ अ होलो स्फीयर, स्फेरिकल मिरर इज अ मेड ऑफ होलो स्फीयर हाई क्वालिटी ग्लास, ठीक है ना। मतलब जो गोलीय दर्पण होता है वो खोखले गोले से बना होता है, गोलीय दर्पण एक खोखले गोले से बना होता है और एक हाई क्वालिटी मतलब उच्च गुणवत्ता का क्या होता है, उच्च गुणवत्ता का एक क्या होता है, ग्लास होता है, ठीक है ना। हाई क्वालिटी मतलब उच्च गुणवत्ता का एक ग्लास होता है, और ग्लास होता है कैसा, अ स्फेरिकल मिरर इज मेड ऑफ अ होलो स्फीयर, मतलब गोली दर्पण एक खोखले गोले से बनता है जो उच्च क्वालिटी की क्या होती है, शीशा होती है। इन केस ऑफ ए स्फेरिकल मिरर वी हैव टू रिफ्लेक्टिंग सरफेस, मतलब इन केस ऑफ, देखो ये स्फेरिकल मिरर है, क्या ये स्फेरिकल मिरर है, इसमें कितने रिफ्लेक्टिव सरफेस है, इसमें परावर्तक पृष्ठ कितने हैं जहां पे हम किरण को डालते हैं। देखो ये परावर्तक पृष्ठ है जहां पे हम रे को क्या करेंगे, डालेंगे। ये पॉलिश सरफेस है, एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये हो गया और दूसरा रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या हो गया बेटा, ये हो गया। तो वही लिखा हुआ है, क्या लिखा है, इन केस ऑफ ए स्फेरिकल मिरर टू रिफ्लेक्टिंग सरफेस, मतलब क्या हो जाएगा, गोलीय दर्पण में क्या होता है, हमारे पास दो परावर्तक पृष्ठ होते हैं, ठीक है ना। वन रिफ्लेक्टिंग कर्व इनवर्ड्स, ठीक है ना, इट्स कॉल्ड, दैट्स व्हाई कॉनकेव। देखो ये क्या होता है, इनवर्ड्स मतलब अंदर की ओर। तो ये देखो ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ये परावर्तक पृष्ठ है, क्या है, अंदर की ओर। तो इसी को हम लोग कॉनकेव मिरर बोलते हैं, मतलब स्फेरिकल मिरर दो पार्ट में डिवाइडिंग हो जाता है, एक कॉनकेव और दूसरा होता है कॉनवेक्स हो जाता है, ठीक है। फिर क्या लिखा है, एंड सेकेंड रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउटवर्ड्स, दैट्स व्हाई कॉनवेक्स। देखो ये आउटवर्ड्स है ना, बाहर की ओर है ना, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या है, बाहर की ओर, कहा है, अंदर की ओर। जो परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर होता है उसे अवतल दर्पण बोलते हैं, और जो परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर होता है उसे उसे क्या, उत्तल दर्पण बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उत्तल दर्पण बोलते हैं। आप लोग भी समझ गए होंगे कि जो रिफ्लेक्टिव सरफेस इनवर्ड्स होता है तो क्या होता है, कॉनकेव होता है, और जो आउटवर्ड्स होता है क्या होता है, कॉनवेक्स होता है। अब देखिए बेटा स्फेरिकल मिरर, देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर, एक कॉनकेव एक कॉनवेक्स, अभी मैंने समझा ही दे दिया। और स्फेरिकल मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व इनवर्ड्स, ये कर्व होता है और क्या होता है, इनवर्ड्स होता है, अंदर की ओर। वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर होता है उसे अवतल दर्पण बोलते हैं। और स्फेरिकल मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व आउटवर्ड्स इज कॉल्ड कॉनवेक्स मिरर, ठीक है ना। क्या बोला, स्फेरिकल मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व आउटवर्ड्स इज कॉल्ड कॉनवेक्स। आप क्या बोलोगे इसको हिंदी में, वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर होता है, बाहर की ओर होता है, फिर या उभरा हुआ होता है या उठा हुआ होता है, उसे क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण बोलते हैं, ठीक है ना बेटा। देखो जैसे मैं ये गोलीय दर्पण है ना, ये कुछ विशेष प्रकार की गोलीय दर्पण होता है, ठीक है ना। अब यदि हम क्या कर दें, इसको किसी नाइफ से हम कट कर दें, नाइफ तो हमारे पास नहीं है, अरे यार तो पूरा कट हो गया, तो मान लो हमारे पास, तो ये भाग जो बेटा यहाँ फॉर्म हो रहा है, ये जो भी भाग था जैसा बेटा, ठीक है, तो ये वाला जो भाग है इसको आप क्या बोलोगे,
इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनवर्स है, इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस सॉरी आउटवर्स होता है, ये कुछ इस तरह से होता है ये ध्यान रखना ठीक है। तो अब इसको नाइफ से काट दे और देखो ये चीज समझोगे, और ये एकदम जो बीच वाला भाग होता है ये देखो ये स्फेरिकल मिरर होता है, तो स्फेरिकल मिरर देखो जैसे ये स्फेरिकल मिरर हो गया ना बेटा, ये क्या हो गया, इसको हमने क्या किया इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस इन्वर्ट कर दिए, इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस हम लोग क्या कर दिए आउटवर्स कर दिए ठीक है। तो ये क्या हो गया कॉनकेव, क्या हो गया कॉनवेक्स। अच्छा एक बात बताओ बेटा, ये स्फेरिकल क्या है, स्फेरिकल स्फेरिकल है ना, क्या ये स्फेरिकल हॉलो स्फीयर है, तो हॉलो स्फीयर होगा तो कहीं ना कहीं इसका रेडियस है मतलब सेंटर होगा, और इसका जो सेंटर होता है इसी को सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, क्या बोलते हैं वक्रता केंद्र, हिंदी में क्या बोलते हैं वक्रता केंद्र। और ये जो लाइन जाती है ये बीसी, ये जो लाइन इसको सी बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर को सी बोलते हैं, और जो बीसी ये लाइन जाती है इसको क्या बोलते हैं प्रिंसिपल प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं, क्या बोलते हैं एक्सिस बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं इसे मुख्य अक्ष बोलते हैं, क्या बोलते हैं मुख्य अक्ष ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसे क्या बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, हिंदी में क्या बोलोगे इसे वक्रता केंद्र, क्या बोलोगे वक्रता केंद्र, गोलीय दर्पण जिस गोले के भाग होता है उस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र बोलते हैं ठीक है ना। अभी आगे इसके बारे में और डिस्कस करेंगे, अभी ज्यादा हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं ठीक है। अब देखिए ये क्या होता है और कैप क्या होता है, देखो इसका ये रिफ्लेक्टिंग, ये परावर्तक पृष्ठ हो गया ना, इसका क्या है ये रिफ्लेक्टिंग, ये क्या होता है बताओ रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, रिफ्लेक्टिंग बोल सकते कर्व, रिफ्लेक्टिंग कर्व सरफेस है, इसका रिफ्लेक्टिंग कर्व सरफेस क्या है आउटवर्स है, इसका क्या है इनवर्स है। तो आप समझ गए होंगे कि स्फेरिकल मिरर क्या होता है, देयर आर टू टाइप्स, इसको क्या बोलते हैं हिंदी में क्या बोलते हैं जल्दी बताओ अवतल दर्पण बोलते हैं ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हिंदी में उत्तल दर्पण बोलते हैं, क्या बोलते हैं उत्तल दर्पण बोलते हैं, समझ गए ना। तो ये गोलीय दर्पण क्या है, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे गोलीय दर्पण, मैंने लिख ही दिया है ठीक है ना। तो गोलीय दर्पण है, गोले का गोलीय दर्पण क्या होता है, एक खोखले गोले का भाग होता है जो विशेष प्रकार के क्या होता है शीशे से बना होता है, इसमें दो परावर्तक पृष्ठ होते हैं, एक परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर होता है जिसे अवतल दर्पण कहते हैं, एक परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर होता है जिसे क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं उत्तल दर्पण बोलते हैं ठीक है ना। गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र बोलते हैं ठीक है ना, और ये लाइट पासिंग करती है इसको क्या बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस मुख एक्सिस बोलते हैं, और जो ये सेंटर होता है इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं ठीक है। इतना आप लोगों ने समझ लिया, अब हम लोग आएंगे आपको थोड़ा सा समझाएंगे, एक आध हम लोग एग्जांपल देंगे और यूज ऑफ मिरर्स बताएंगे, क्या बताएंगे यूज ऑफ। देखिए स्टूडेंट मैंने अभी आपको बताया था कॉनकेव मिरर कॉनवेक्स मिरर अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, अब उसके एग्जांपल समझेंगे। वी हैव मे नाउ अंडरस्टैंड, हम लोग अब समझ सकते हैं सी, क्या समझ सकते हैं दैट द सरफेस ऑफ अ स्पून, स्पून मतलब जो चम्मच होता है, जो चम्मच से हम लोग खाते हैं तो चम्मच का जो पृष्ठ है ठीक है ना कर्व इनवर्ड्स ठीक है ना कैन बी अप्रोक्स कॉनकेव, जैसे हम चम्मच से जो उठा के खाते हैं ना तो इसका इनवर्स जो अंदर की ओर धसा होता है जिससे हम लोग कोई चीज खाते हैं ठीक है ना, वो क्या होता है अप्रोक्स क्या होता है कॉनकेव मिरर मतलब अवतल दर्पण होता है। द सरफेस ऑफ स्पून इज ठीक है ना आउटवर्ड्स इज अप्रोक्स कॉनवेक्स, देखो ये स्पून हो गया उसके अंदर का भाग जैसे जो ये धसा हुआ कुछ ऐसे गहरा होता है, तो ये जो गहरा वाला भाग होता है इसको क्या बोलेंगे इनवर्स, तो ये जो इनवर्स होता है ये जो धसा हुआ होता है इस भाग को हम लोग कॉनकेव बोलते हैं, और जो ये वाला जो ये वाला भाग होता है आउटवर्ड्स जो होता है उसको अप्रोक्स हम क्या बोलते हैं कॉनवेक्स बोलते हैं ठीक है ना।
ये उभरा हुआ भाग है जो बाहर निकला हुआ होता है, और ये अंदर वाला भाग है जो इनवर्स होता है वो अप्रोक्स कॉनकेव होता है, ठीक है ना। और जो क्या होता है आउटवर्ड्स होता है वो क्या होता है, ये कौन होता है जो अंदर की ओर धंसा होता है वो क्या होता है लगभग अवतल दर्पण की तरह होता है, और जो क्या होता है नीचे वाला भाग होता है जो क्या होता है बाहर की ओर होता है अप्रोक्स उत्तल दर्पण होता है। कौन सा दर्पण होता है? उत्तल दर्पण होता है। अब देखो हम लोग कुछ एग्जाम्पल समझेंगे, एग्जाम्पल्स ऑफ क्या हो गया कॉनकेव मिरर, कॉस्मेटिक मिरर्स। कॉस्मेटिक मतलब जहां पे हम लोग जाते हैं सिंगार का जो सामान होता है वहां पे जो मिरर लगा होता है, कौन सा मिरर होता है? कॉनकेव होता है। जो शेविंग मिरर्स जो हम लोग जाते हैं जब दाढ़ी बनवाने नाइकी या बाल बनवाने जाते हैं तो कौन सा मिरर होता है? कॉनकेव होता है। हेडलैम्प, हेडलैम्प रिफ्लेक्टर, ऑटोमोबाइल्स, टेलीस्कोप जो सूक्ष्मदर्शी जिसे हम देखते हैं उसमें कौन सा मिरर होता है? कॉनकेव मिरर होता है। तो ये सब क्या हो गया सिंगार में जो दर्पण और सिंगार के सामान के जो दर्पण यूज होता है, जो दाढ़ी बनाने के लिए दर्पण यूज होता है, जो गाड़ी का हेडलैम्प होता है रिफ्लेक्टर, जो ऑटोमोबाइल्स में जो यूज होते हैं, और जो टेलीस्कोप मतलब सूक्ष्मदर्शी में यूज होते हैं, ये सभी कौन से दर्पण होते हैं? ये सभी दर्पण अवतल दर्पण होते हैं। अब आइए समझते हैं इन इन दीज एग्जाम्पल्स लाइट फ्रॉम लार्ज एरिया इज टू बी कलेक्टेड फॉर अ स्मॉल एरिया। इससे क्या क्या होता है जो लाइट जो लार्ज एरिया का लाइट होता है उसको स्मॉल एरिया की लाइट पे क्या करता है ये ट्रांसफर कर देता है, मतलब जो फैले हुए प्रकाश को ये क्या कर देता है कम एरिया के प्रकाश में क्या कर देता है बदल देता है। जो प्रकाश चारों तरफ फैला होता है ना उसको बदल के कम एरिया में कर देता है, मतलब ज्यादा फैलने नहीं देता है। एग्जाम्पल्स ऑफ कॉन्वेक्स मिरर ड्राइवर्स रियल व्यू मिरर, ड्राइवर्स रियल व्यू मिरर जो ड्राइवर को देखने के लिए गाड़ी में फोर व्हीलर में टू व्हीलर में मिरर्स लगे होते हैं ना वो कौन सा दर्पण होता है? उत्तल दर्पण कॉन्वेक्स मिरर होता है, ठीक है ना। सिक्योरिटी चेक मिरर जो सुरक्षा के लिए हम मिरर चेक करते हैं, सुरक्षा सिक्योरिटी मतलब सुरक्षा के लिए जो मिरर चेक करते हैं वो कौन सा होता है? वो भी कॉन्वेक्स होता है। ट्रैफिक सिग्नल कंट्रोल करने के लिए ट्रैफिक कंट्रोल मिरर ये कौन सा होता है? कॉन्वेक्स मिरर होता है। मैग्नीफाइंग ग्लास जो किसी ऑब्जेक्ट को क्या करता है उसको बहुत बड़ा दिखाता है उसे मैग्नीफाइंग ग्लास बोलते हैं, ठीक है ना। इस क्या है ट्रैफिक लाइट, ट्रैफिक लाइट पे भी हम क्या करते हैं कॉन्वेक्स मिरर का यूज करते हैं। दीज एग्जाम्पल्स बिगेस्ट ऑब्जेक्ट आर टू बी व्यू इजीली इन स्मॉल साइज, मतलब क्या करता है ये बड़े ऑब्जेक्ट का बहुत बड़ा जो ऑब्जेक्ट होता है उसका जो प्रतिबिंब होता है जो उसका इमेज होता है जब उसका देखने का जो इमेज होता है वो बहुत छोटा बना रहता है। देखते हो एम्बुलेंस क्या होता है, एम्बुलेंस में क्या होता है एम्बुलेंस उल्टा लिखा होता है, एम्बुलेंस में जो एम्बुलेंस बॉडी होती है उल्टी लिखी होती है, ये जैसे इस मिरर पे पड़ती है तो सीधी दिखने लगती है। और सबसे इसकी खास बात जानते क्यों, क्योंकि हम गाड़ी में हमेशा कॉन्वेक्स मिरर क्यों यूज करते हैं क्योंकि ऑब्जेक्ट कितना भी दूर होगा उसका इमेज ऑलवेज कहाँ बनेगा, इमेज ऑलवेज बनेगा पोल और फोकस के बीच में, कहाँ बनेगा पोल और फोकस के बीच में। अभी मैं समझाऊंगा पोल और फोकस क्या होता है इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी किसी को कोई दिक्कत हो तो बताइएगा, ठीक है ना। आप समझ गए एग्जाम्पल क्या हो गया कॉस्मेटिक मिरर मतलब सिंगार की दुकानों में जो मिरर लगा होता है, सेविंग मतलब जो नाइकी है जो हजामत में दर्पण में यूज होता है, हेडलैम्प रिफ्लेक्टर जो गाड़ी के हेडलैम्प लगा होता है रिफ्लेक्टर होता है, ऑटोमोबाइल्स टेलीस्कोप ये सभी में अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं, ठीक है ना, दूरदर्शी, ठीक है ना। असुलर इन दिस केस ये लाइट का फॉर्म लार्ज एरिया इन टू द कलेक्ट फॉर द स्मॉल एरिया, जो मतलब चारों तरफ फैली हुई प्रकाश होती है उसको क्या करता है ये एक निश्चित दूरी के क्या करता है सारे निश्चित एरिया में उसे क्या कर देता है ट्रांसफर कर देता है। ड्राइवर के पास जो रियर व्यू के लिए मिरर लगा दर्पण लगा होता है, सिक्योरिटी चेक मिरर जो होता है, ट्रैफिक सिग्नल के जो सिग्नल कंट्रोल करने के लिए जो मिरर होता है, मैग्नीफाइंग ग्लास जो होता है, स्ट्रिप लाइट होता है जो रोड पे लगा होता है, ये सभी क्या होते हैं कॉन्वेक्स मतलब उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण के एग्जाम्पल, ठीक है। दीज एग्जाम्पल्स बिगेस्ट ऑब्जेक्ट आर टू बी व्यूड इजीली इन स्मॉल साइज।
जो बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट होता है उसका भी इमेज ये बहुत आसानी से क्या करता है, छोटा इमेज बना देता है, ठीक है ना। आज हम आपको बताएंगे कि जो कॉनकेव और कॉनवेक्स मिरर होते हैं इसमें पोल किसे कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर किसे कहते हैं, फोकस किसे कहते हैं, नॉर्मल किसे बोलते हैं, ठीक है ना, रेडियस ऑफ कर्वेचर किसे बोलते हैं, ये सारी बेसिक चीजें हम आपको बताएंगे। क्योंकि जब तक ये बेसिक चीजें आपसे नहीं बनेगी तो आप ये नहीं समझ पाओगे कि फोकस कहाँ पे होता है। और देखिए हम लोग बता रहे हैं, देखिए बेटा मुझे आपको समझाना है। और ये फूल का मतलब होता है धूल, ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर का मतलब होता है वक्रता त्रिज्या, सॉरी वक्रता केंद्र, रेडियस ऑफ कर्वेचर समझते हैं। एक हम आपको समझाने के लिए प्रयास समझते हैं बेटा। पहले समझो, कोई भी जो दर्पण होता है, चाहे कॉनकेव मिरर हो चाहे कॉनवेक्स हो, चाहे अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण, उसका जो मध्य बिंदु होता है, परावर्तक पृष्ठ का जो मध्य बिंदु होता है, ये परावर्तक पृष्ठ है ना जिस पे किरण को डालते हैं, परावर्तक पृष्ठ के जो मिड पॉइंट होता है उसी को आप पोल बोलते हो। क्या बोलते हो? पोल। अच्छा बताओ बेटा, ये गोली दर्पण है ना, तो ये गोले का किसी ना किसी का केंद्र होगा, तो गोले का जो केंद्र होता है उस गोले के केंद्र को ही क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वक्रता केंद्र। इसको सी से डिनोट करते हैं, किसे? सी से। देखो मुख अक्ष के समांतर आपतित किरण परावर्तक के पश्चात मुख अक्ष के जिस बिंदु से गुजरती है उसे फोकस करते हैं। क्या बोलते हैं? मैंने क्या बताया? मुख अक्ष के समांतर आपतित किरणें परावर्तक के पश्चात मुख अक्ष के जिस बिंदु से होकर गुजरती है उसे फोकस करते हैं। देखो ये इंसिडेंट रे जब रिफ्लेक्ट होके, ठीक है ना, रिफ्लेक्ट होती है और प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट से पासिंग होती है उस पॉइंट को फोकस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फोकस। फिर आपको बताना है, बताओ ये जो लाइन, ये जो स्ट्रेट इमेजिनरी लाइन है PC, ये पोल और सेंटर, सेंटर ऑफ कर्वेचर को मीट करने वाली लाइन जो है, ध्रुव और वक्रता त्रिज्या को, वक्रता केंद्र को मिलाने वाली जो रेखा है, इसी को आप मुख का अक्ष प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हो। द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस, द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस इज कॉल्ड, क्या बोलोगे? फोकल लेंथ। द डिस्टेंस बिटवीन क्या बोलोगे? सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल इज कॉल्ड
क्या बोलोगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर, मतलब क्या बोलोगे, वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, ठीक है ना। तो आप समझ गए होंगे, ये डेफिनेशन समझ गए ना। पोल क्या है, द सेंटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द एस्पेरिकल मिरर इज अ पॉइंट इज कॉल्ड, ठीक है ना, पोल, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय पी। मैंने क्या बोला बताओ, क्या होता है सेंटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, तो ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ना, इसका जो सेंटर होगा, इसका जो मिड पॉइंट होता है, परावर्तक पृष्ठ का जो मध्य बिंदु होता है उसे पोल कहते हैं, उसे ध्रुव कहते हैं। वक्रता केंद्र क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, इट इज द सेंटर ऑफ होलो स्फीयर ऑफ व्हिच कॉनकेव और कॉनवेक्स मिरर इज पार्ट। क्या हो गया बताओ, गोली दर्पण का जो केंद्र होता है उस केंद्र को क्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या बोलते हैं, इसको सी से डिनोट करते हैं। फिर क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस, इट इज द इमेजिन लाइन ऑब्टेन बाय द ज्वाइनिंग द पोल P and center of curvature C, ठीक है ना, इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। मतलब देखो ये ध्रुव और क्या हो गया, वक्रता केंद्र को मिलाने वाली जो सरल रेखा होती है, ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली जो सरल रेखा होती है इसे मुख एक्सिस बोलते हैं। पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को जो मीट करने वाली इमेजिनरी लाइन होती है, ज्वाइन करने वाली इमेजिनरी लाइन होती है, इसी को क्या बोलते हो, प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं, ठीक है ना। इसके बाद क्या आता है, फोकस आता है, क्या आता है, फोकस आता है। फोकस क्या होता है बताओ, फोकस इट इज अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ मिरर वेयर द रिफ्लेक्टिंग रे एक्चुअल मीट या अपीयर्स टू मीट, इट इज नोटेड बाय ए। जहां पे क्या होता है, इंसिडेंट रे रिफ्लेक्ट होगी, क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट पे मीट करती है उस पॉइंट को एक फोकस बोलते हैं। मुख अक्ष के समांतर आपतित किरणें परावर्तन के पश्चात मुख अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे फोकस करते हैं। मुख अक्ष के समांतर आपतित किरणें परावर्तन के पश्चात मुख अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे क्या बोलते हैं, बताइए, उसे बोलते हैं फोकस बोलते हैं, ठीक है। आप ये भी समझ गए, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय डिनोटेड बाय कैपिटल आर, क्या बोलते हैं, कैपिटल आर। फिर मैंने क्या बोला, द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस इज कॉल्ड फोकल लेंथ, इट इज डिनोटेड बाय क्या होता है, इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल आर। पोल और फोकस के बीच का जो डिस्टेंस होता है इसी को फोकल लेंथ बोलते हैं, इसको स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। एक बात बेटा ऑलवेज लाइफ में याद रखना, यदि आप रे डायग्राम इनका समझना चाहते हो तो ऑलवेज जो रे डायग्राम होता है, ठीक है ना, रे डायग्राम जो होता है तो बेटा इसमें हम कभी भी नॉर्मल डालेंगे, नॉर्मल मतलब अभिलंब डालेंगे, लंब खींचेंगे ना, हमेशा वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके जाए, हमेशा वो क्या होगा, कोई भी लंब होगा वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके जाए, ठीक है ना। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जो मैं समझा रहा हूँ उसको अच्छे से समझ रहे होंगे और आपको कोई डाउट नहीं होगा। यदि आपको कोई भी इसके बाद डाउट होता है कि प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, एक बार इसको देख लीजिएगा, कोई भी यदि आपको डाउट होगा तो आप बताइएगा। नेक्स्ट लेक्चर फोर्थ में हम लोग क्या पढ़ेंगे, इमेज फॉर्म बाय कॉनकेव मिरर, इमेज फॉर्म बाय कॉनवेक्स मिरर, मतलब कॉनकेव और कॉनवेक्स मिरर से कैसे इमेज फॉर्म होता है उसको हम नेक्स्ट लेक्चर फोर्थ में पढ़ेंगे। और ये अच्छे से समझ लीजिएगा, ध्रुव क्या होता है बताओ, द सेंटर ऑफ क्या होता है, ध्रुव क्या होता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस का जो मिड पॉइंट होता है, सेंटर जो होता है, इज कॉल्ड पोल। बताओ फोकस क्या होता है, ये तो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, स्फेरिकल मिरर क्या होता है, स्फेरिकल मिरर का जो रेडियस होता है उसी को क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। फोकस क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो इंसिडेंट रे होती है और रिफ्लेक्ट होकर प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट पे मीट करके या पेयर्स को मीट होता है, मतलब मिलती हुई या मिलती है, उसे हम क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर, द डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड पोल इज कॉल्ड फोकल लेंथ, ठीक है ना। और ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है, ठीक है ना। अभी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे तो हम लोग इसको थोड़ा सा समझेंगे और इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। कोई भी डाउट हो तो हमें कमेंट करिए, बताइए। यदि आपको लगता है कि हमारा पढ़ाया हुआ वीडियो क्या है बहुत ही सही आपको समझ में आ रहा है तो अपने दोस्तों को बताइए, यदि समझ में नहीं आ रहा तो डिसलाइक भी करें, लाइक या डिसलाइक जैसे पढ़ाया जा रहा है वैसे बताइएगा,
और हम लोग आपके लिए काफी मेहनत कर रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोगों को समझ में आ रहा है।